अब खबर शामिल करते हैं तांदलियावाला से, जहां पीटीआई एमपीए चौधरी आदिल परवेज सुल्तान गुजर ने बल्दिया तांदलियावाला में विजिट किया है और मंगल के रोज अवामी मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी का ऐलान भी किया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे बल्दिया तांदलियावाला में मौजूद हैं, मजीद इनसे जानते हैं। जी गुलरेज, आगाह कीजिएगा इस हवाले से एमपीए का क्या कहना है। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त टीएमए तांदलेवाला में मौजूद हूं, जहां पर पीटीआई के जो एमपी हैं चौधरी आदिल परवेज गुजर सो मौजूद हैं मेरे साथ। और यहां पर जो है वो मंगल वाले रोज उन्होंने यहां पे लोगों के मसाइल हल करने के लिए तशरीफ लाए हुए हैं, मेरे साथ वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी ये बताइएगा कि जो लोगों के मसाइल के हवाले से आप यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, तो ये आपका इस इकदाम, ये बहुत इसको सराहा गया है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका कि आप आए। इंशाल्लाह ताला हम सब भाई मिलकर, मलक शमशेर हैदर वटू साहब, मियां सादुल्ला बलोच साहब, मैं अपने तमाम अहलियाना तांदलियांवाला को, पीपी 102 को, पीपी 103 को हम बताना चाहते हैं कि इंशाल्लाह ताला हम इनको लावारसों की तरह नहीं छोड़ेंगे, हम इनके काम इंशाल्लाह ताला इनकी चौखड़ पर जाके इंशाल्लाह हल करेंगे, और ख़ास तौर पर अहलियाना तांदलियांवाला के जो दरीना मसाइल हैं वो कर इंशाल्लाह। हमने अब कहा है कि हर मंगल को इंशाल्लाह 11 से 3 बजे तक हम टीएमए इधर कमेटी रूम में इंशाल्लाह बैठ के लोगों के मसाइल सुनेंगे भी और इंशाल्लाह उनका फौरी हल भी करवाएंगे। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि हम तांदलियांवाला को हल्का एक पीपी 102 और 103 के जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए हर वक्त तैयार रहेंगे और तांदलियांवाला को किसी सूरत भी लावारस नहीं छोड़ेंगे। हमारी जो पूरी टीम, पूरी काफी जो है वो इस हल्के के लिए जो है वो हर वक्त तैयार रहेंगी और मैं भी यहाँ पे लोगों के मसाइल सुनने के लिए मौजूद रहूंगा। जी तांदलियांवाला के मसाइल अव्वलीन तरजीह पर हल करेंगे। गुलरेज इकबाल, बहुत शुक्रिया।